सो है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एंड लिटरल में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा निंदुवाड़ा दुकान के जस्ट पीछे से, जस्ट बिकॉज बहुत तगड़ी वाली भूख लगी थी और ये इसलिए मेरे को व्लॉग स्टार्ट करने में मजबूर कर दिया, जस्ट बिकॉज कभी से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये बंदा खड़ा है, बट ये नहीं कि ये सीट दे दे इसको, लगता है ये रिजर्वेशन वाली है इसको प्रॉपर सीट मिला हुआ है, समझ रहे कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो, दे रहे जगह भाई, बैठने दे। हाथ मिला। अच्छा लार्ज काफी फ्रेंडली है भाई, अभी मिली एक दो घंटे नहीं, तो मिनट पहले। बहुत मारा है भाई, बहुत मारा है। नींदू वड़ा खाने का है? नींदू वड़ा, नींदू वड़ा, फोन मत तोड़। नींदू वड़ा खाने का? देखो आग दिखा, तेरा आग दिखा, आग दिखा बे, आग दिखा, डेंजरस आग दिखा, तेरा डेंजरस आग दिखा दे रहा है, ये देखो भाई। अच्छा लाड हम लोग इसको कर रहे हैं, जल इसकी रही है, देखते हो कैसे दिख रहा है। वैसे तो निंदुवाड़ा की 100 दुकान है, बट सभी बंदे लोगों का कुछ कुछ एक स्पेसिफिक जगह होता है हर एक चीज का, और हम दोनों के लिए ये दुकान है जो एकदम मस्त मार्केट के बीच में लोकेट करती है, और उसके जस्ट पीछे तुम लोग देखो ऐसे व्यू में बैठ के मस्त में खाने का। भाई इसमें मत जाओ, ये बहुत सस्ता और बहुत अच्छा है और एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तुम लोग कभी आना तो खाना। कहाँ तुम लोगों को घंटा पता नहीं होगा, जस्ट बिकॉज कितना अंदर है ये मैं ही जानता हूँ तो फिलहाल मैं इसको खाता हूँ। भाई सो फाइनली घर पे तो आ गया हूँ, और लिटरली मैं ये नोटिस कर रहा हूँ ना कि कुछ भी एक दो दिन से ना भाई बहुत बोरिंग सा जा रहा दिन, मतलब कुछ न्यू नहीं हो रहा है यार, मतलब वही लेट सो जा रहा हूँ, लेट उठ जा रहा हूँ, दिन ऐसे ख़त्म हो जा रहा है, खा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ, फिर उठ रहा हूँ। वैसे इसमें भी एक नया ही पीसी है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो तो बहुत बढ़िया लगता है। लिटरल में तुम लोग बाहर देखोगे तो इतनी ज़्यादा खुशी यार, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ना, अगर मैं ये दरवाज़ा खोल दूँ, ये गेट, ठीक है ये गेट समझो मैंने खोल दिया, ठीक है अब ना भाई इसके अंदर आ जाओ तो हेवन, इसके बाहर आ जाओ तो हेल, मतलब इतना ज़्यादा जलता है ना तो तुम लोग को बता नहीं सकता। और जस्ट एक कदम इधर आ जाओ, वाह मजा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये देखो भाई यहाँ से उठे हैं भाई, उठते ही हिंसा चालू। हाँ भैया तेरा रसदा जोड़ू ना, वो मैं हूँ, क्या कहते भैया उस रात को खाना था और यहीं रखा। अरे देखना मैं वो हूँ, क्या कहते हैं, पेपरीजी, क्या पेपराजी। तो देखो गाइस फाइनली सुपरस्टार आयुष बाथरूम से निकल, पता कैसे चलता है मैं यहाँ आया अभी, फाइनली जस्ट अभी ये करके निकले हैं भैया, सही से हुआ कि नहीं है, है? देख लो अभी तक मतलब लाइट वगैरह सब ऑफ है, ये नहीं कि मस्त में थोड़ा चालू वालू कर दिया जाए, है बट नहीं सब ऑफ ही रहने दो भाई, क्या फर्क पड़ता है, 6 बजे तक तो सोना है। तू भाई मैं लेट उठा ही नहीं बात, लाइट वाइट तू बंद किया था ठीक है, और यहाँ पे तो भाई इसका अलग ही चल रहा है, हाँ नहीं तो इसका तो भाई अलग ही चलते रहता है, हाँ इसको कुछ भी बोल दो तुम लोग इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ चाहिए फोन और सिर्फ फोन, कुछ नहीं होने वाला इसका भाई, कुछ नहीं होने वाला जी, कुछ नहीं होगा। ऑल राइट सया, लाइक जेनुअली ना मैं आज बिल्कुल भी ज्यादा व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, ओनली रीजन इज की ना कि मेरे मुंह में ना कुछ तो हो गया है, वो होता है ना छोटा सा दुखता है बहुत, और वो लिटरली ना मेरे जस्ट दांत के बाजू में हुआ है, अब मैं जब बोलता हूँ ना वो दांत चुकीला से चुपता है उसमें, और रही बात मेरी आदत एकदम तेज तेज व्लॉग में बोलने की, सही नहीं सिर्फ गेज वेग के वेग, इसलिए मैं लिटरली इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है ना बोल ही नहीं पा रहा हूँ। बट देखो भाई आजकल ना अलग ही फीवर चल रहा है मेरे घर पे, है आजकल ना जिसको देखो उसको भाई चेस का फीवर चल रहा है, और सब लोग मेरे को पूरा फोर्स कर रहे हैं भाई तू भी चेस सीख ले। यार सबसे पहले मैं तुमको दिमाग लगाना पसंद नहीं है, मेरा दिमाग को मेरे को एकदम रेस्ट में डालना पसंद है, मैं नहीं चाहता कि मेरा दिमाग बेचारा जोर ले किसी भी चीज़ में, उसको शांति से शांत रहने देता हूँ मैं। बकवास तो ऐसे कर जैसे मैंने ट्राई नहीं किया, टू बी रियली ऑनेस्ट मैंने यार ट्राई किया था, मैंने एक वीडियो देखा था कि हाउ टू बी मास्टर इन चेस इन 2 आवर मैंने वीडियो देख डाला, बट वो बोलते नहीं हो पाएगा भाई तुमसे, तुमने ये सर्च किस मुँह से कर लिया, लाइक चेस को मास्टर करने के लिए नहीं तो नहीं, मास्टर तो भाई इम्पॉसिबल है, तुम सीखते रहोगे बट हाँ बेसिक नॉलेज वगैरह या फिर अच्छा खासा नॉलेज तुम ले सकते हो भाई कुछ 1-2 हफ्ते में, पता नहीं मैं 1 हफ्ते में कैसे सीखने वाला हूँ।
लेट्स सी, मैंने भाई एक्चुअली मैं एक चैलेंज लिया है कि मेरे को एक हफ्ते के अंदर चेस सीखना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज चेस सीखना इम्पोर्टेंट है, कि मैं इम्पोर्टेंट है पता नहीं बट है, सीखता हूँ भाई, देखता हूँ, सीखने दो। लिटरल में भाई इतना टाइम हो गया, लाइक मोर देन 5 डेज हो गए, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मेरा मोस्ट ऑफ द ब्लॉग यहीं बन रहा है। मैंने पहले भी बोला है, बहुत पहले भी बोला है कि मेरे को एक्चुअल में ना घर का ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को इधर ही आजू बाजू में ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है। हाँ दूर का भी अच्छा लगता है बट उतना नहीं, बट ठीक है भाई, अब ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, बकवास करना नहीं होता, कुछ करना भी होता है बट ठीक है, ठीक ही है। वरना तो ये है ना भाई कि बंदे में दम होना चाहिए यार, ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ वहाँ जाए। इफ़ लाइक मुझ जैसा बंदा इसके ऊपर भी एक मिनट बना सकता है कि ये लेवेंडर बैगनी क्यों है, ओवर कॉन्फिडेंस ना नहीं होना चाहिए। देखो यही होता है एक डाउनफॉल का रीज़न, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, खुद भी समझ लो, जस्ट ग्रो अप।